क्या बोलती पब्लिक, मैग्नेट भाई फिर से एक नया वीडियो लेके आ गया है। तो पब्लिक आज के वीडियो में ना मैं तो रेड कारपेट देखने वाला हूँ जिसके अंदर सारे पाकिस्तानी सितारे 9th हम अवार्ड के रेड कारपेट पे चलने वाले हैं। उसका एक वीडियो आया है एक्टर स्टोरी यूट्यूब चैनल पे, उसको मैं देखूंगा और उसके ऊपर मैं अपना रिएक्शन दूंगा। मैंने इससे पहले कोई भी पाकिस्तान का अवार्ड शो नहीं देखा है, रेड कारपेट तो दूर की बात है, रेड कारपेट भी नहीं देखा है मैंने। तो आज पहली बार मैं देखूंगा कि जो सितारे हैं वो ज़मीन पे चलेंगे, लंदन में होने वाला है, खूबसूरत बन के चलेंगे, तो मैं उनको देखने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हूँ। रेड कारपेट का वीडियो स्टार्ट करने से पहले पब्लिक, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन भी दबा दीजिए, बिकॉज बहुत ही मज़ा आने वाली है। सितारे एकदम बन ठन के रेड कारपेट पे चलने वाले हैं, वो भी लंदन की गलियों में। वीडियो मैंने स्टार्ट कर दिया है और सबसे पहले ये हीरोइन कौन है मेरे को नहीं पता, आप लोग बताओ कौन है, मेरे को आइडिया नहीं इनके बारे में। अच्छा लगता है प्रेग्नेंट है, आइडिया नहीं है, आप लोग बताओ कौन सी हीरोइन है। इनके बारे में भी आइडिया नहीं है, कौन है आप लोग बता सकते हो तो बता दीजिए, मेरे को सबके बारे में आइडिया नहीं है, थोड़े बहुत लोगों के बारे में पता है और थोड़े बहुत लोगों के बारे में नहीं पता है। आतिफ असलम ही था, ये रामशाह खान है, मेरे को पता है क्योंकि मैंने दुनियापुर का एपिसोड देखा था, रामशाह खान या रामशाह जो भी है। अरे मैं नाम भूल गया, जानता था मैं, सोनो चंदा वाला हीरो नाम भूल गया मैं, अरे यार माइंड से चले गया दोनों का नाम, लेकिन दोनों मेरे ख्याल से हस्बैंड वाइफ है। इनकी शायद बहन ने इंडिया में काम किया था, तू फोटो मेरी हाँ तू खींच मेरी फोटो वो वाले गाने पे, लेकिन नाम नहीं याद आ रहा कौन है दोनों, आप लोग बता देना कमेंट करके कौन है। आतिफ असलम तेरे लिए, आतिफ असलम तो बहुत ज्यादा फेमस, बहुत ही जबरदस्त सिंगर है, बहुत ज्यादा फेमस पर्सनालिटी है। इनके बारे में आइडिया, लगता है उनकी वाइफ के साथ कौन है आइडिया नहीं है आप लोग बताना कौन। पब्लिक बहुत खुश है सितारों को देखने के लिए, फोटो खिंचवाने के लिए, लगता है ये सबके साथ फोटो खिंचवाएंगे। आनिया आपके, ये बहुत बड़ी हीरोइन है, बहुत ज्यादा फेमस है सोशल मीडिया पे, तो बहुत फेमस है, प्लस उनका एक शो आ रहा है कभी मैं कभी तुम, वो भी बहुत ऊपर चल रहा है। तो पब्लिक ये वीडियो तो मैंने देख लिया रेड कार्पेट वाला, बहुत सारे सेलिब्रिटीज नहीं थे, थोड़े बहुत थे, थोड़े बहुत में से भी थोड़े बहुत को मैं जानता था और बाकी लोगों को मैं नहीं जानता था। मैंने आपको बोला अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके मेरे को बताइए कि आपको पता है कि ये कौन है और उनका कौन सा फेमस शो है, वो सब आप मेरे को बताइए, मेरे को इतना आइडिया नहीं था। लेकिन एक चीज़ अच्छी है कि जो ये अवार्ड शो है वो लंदन में हो रहा है, आउटसाइड पाकिस्तान में हो रहा है, इससे पहले शायद दुबई में होता था, शायद वहाँ पर होता था, अब लंदन में भी हो रहा है, हमारा आइफा भी ऐसे बाहर ही गया है, तो उसी तरीके का शो है हम अवार्ड्स, 9th हम अवार्ड है।
तो आप लोग बताना मेरे को कि इसमें कौन जीता कौन नहीं जीता। आप मेरे को, अगर आपके पास लिस्ट आ गई तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो कि ये विनर है, ये विनर है, ये नहीं विनर है, या बेस्ट एक्टर का अवार्ड इनको मिला है, बेस्ट ड्रामा का अवार्ड इसको मिलता है। ओवरऑल पब्लिक, ये मेरे को वीडियो अच्छा लगा, लेकिन अगर ये ज़्यादा होता है इसके अंदर और सेलिब्रिटीज़ के बारे में रहता और ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ को दिखाया गया रहता तो और मज़ा आ जाती। तो अगर पब्लिक आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना।